finest? You don't gonna do oh, huh? Ugh! Abading na maya. Okay, Borgelia. Dad? हाँ मालूम है, दूसरे वैम्पायर्स को फ्रीज नहीं कर सकता है। ओ मेरा प्यारा मेवी, मैं तो बस कुछ नन्ना मुन्ना एडजस्टमेंट्स कर रहा था। डैड, जॉनी ने ये सब खास आपके लिए किया है, वो सिर्फ इस दिन को खास बनाना चाह रहा था। ओहो, और इसलिए मेरा अच्छा खासा पार्टी का वार्ड लगा रहा था। ऐसा होगा दामाद तो कौन रहेगा आबाद? क्या कहा आपने? ओ, कुछ नहीं मेरी गुड़िया। डैड, मैं जानती हूँ आपके और जॉनी के बीच अक्सर 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन मुझे उससे प्यार है, टेढ़ा है पर मेरा है। सच्ची? तुम्हारे को पक्का लगता है कि इसमें चुन्नू मुन्नू सभी चेंज नहीं करने का? इतना सभी नहीं? नहीं, वो जैसा है वैसा ही बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा मर्जी मेरा डिग्री। चलो अब हम इस खास दिन को ढंग से मनाएंगे ताकि ये दिन और भी ज्यादा खासम खास हो। अच्छा, आप क्या करने वाले हैं? कौन मैं? कुछ नहीं। लगता है अपन छा गया। तो भाई लोग आ गया। थैंक यू जॉनी, बहुत भुजक लिए तुम। आहा, और याद रखिए, रात के 12 बजते ही मैं तुम सब लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करेगा। तब तक तुम लोग ये तड़कते भड़कते म्यूजिक का मजा लो। स्पीच देने के लिए तैयार हो मेरी जान? हाँ तैयार तो हूँ, पर जॉनी इस वक्त मेरे दिमाग का दही करके उसका लस्सी बनाकर उसको पीने में लगा है, वो भी एक लोहे का बड़ा स्ट्रॉ से सीधे मेरे दिमाग से पी रहा है। जॉनी को तो जानते हो, वो बस जोश में होश खो बैठता है। यही तो प्रॉब्लम है, जोश उसको आता है और होश दूसरे का उड़ाता है। अब तुम्हें आदत तो डालनी पड़ेगी, हालात थोड़े बदल जाएंगे जब तुम हो जाओगे रिटायर। हो जाओगे रिटायर, रिटायर। अरे जरा हल्लू बोलो, मैं भी सन्नाटे की आवाज भी सुन लेता है। वो हमारी बात क्यों सुनेगी? इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ मुझे पता है तुम सही कह रहे हो, असल में मैं नहीं चाहता कि और कोई गड़बड़ हो जाए, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। जब मैं इस होटल का जिम्मेदारी दूंगा अपना मेविस को। क्या? और जॉनी को? हाँ जॉनी को भी। ओ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ कि ये होटल तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। हाँ, पर अभी विदा लेने का टाइम आ गया ताकि एक नई शुरुआत कर सकें एक साथ। वैसे भी नई शुरुआत करने में तुम्हारा जवाब नहीं जानू, इसीलिए तो मैं लोगों में इस नाम से बहुत फेमस हूँ, शुरुआती शहंशाह। ऐसा क्या? और मेरे को बोलते हैं रात का राजा और पप्पियों का बादशाह। अब बस भी करो। मस्तान है जान। कैसे बताऊं, कैसे सुनाऊं? तुम्हें तो यकीन ही नहीं होगा। क्या, ऐसा क्या हो गया? जॉनी यहाँ बैठ जाओ वरना उछल पड़ोगे। जान, अब तुम मेरी जान निकाल रही हो। डैड रिटायर होने वाले हैं और ये होटल होने वाला है हमारा। ये ठीक है, बस एनर्जी ड्रिंक थोड़ी ज्यादा पी ली। वाओ, मुझे तो पता भी नहीं था वो रिटायर होने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता था। कमाल हो गया मेविस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम छा जाओगी। तुम्हारा मतलब हम छा जाएंगे? डैड ये होटल हम दोनों को देने वाले हैं। सच्ची? हम दोनों को? तुम्हें यकीन है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? वो गलत कुछ नहीं है, बस मैं सोच रहा था, दरअसल मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी उनकी